प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस संकट को लेकर सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन पार्ट 3 के बाद बने हालात पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की ये मीटिंग सोमवार को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। रेलवे करीब 50 दिनों के बाद 12 मई से ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू करेगा। रेल मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है। आंशिक रूप से प्रारंभ की गई ट्रेन सेवा की शुरुआत में नई दिल्ली से देश के 15 प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। इन ट्रेन में केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री ही जा सकेंगे। इनके लिए IRCTC की वेबसाइट पर 11 मई को शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर है। दिल्ली एम्स की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें एम्स लाया गया था। उनको बुखार है। बुखार के अन्य कारणों का पता लगाने के लिए उनकी जांच की जा रही है और आवश्यकता अनुसार देखभाल भी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को पेट में दर्द की शिकायत के बाद रविवार देर रात मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुलायम को पिछले 5 दिनों में दूसरी बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। इससे पहले उन्हें बुधवार को यहां भर्ती कराया गया था और शनिवार को ही नई छुट्टी दी गई थी। ऑनलाइन शराब बिक्री को लेकर आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि आबकारी अधिनियम में ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में यूपी में ऑनलाइन शराब नहीं बेची जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों पर परीक्षण के बाद ये फैसला लिया गया है। लखनऊ नगर की मछली उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन मछली बिक्री की सुविधा प्रारंभ हो गई है। यहाँ एक ऐप के माध्यम से घर बैठे मछली मंगा सकते हैं आप। ये सुविधा JMT ऐप के माध्यम से लाइन बुकिंग पर मिलेगी। सीएम योगी ने बारिश, आकाश बिजली और ओलावृष्टि से लोगों की मौत पर दुख जताया है। वहीं मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। सभी घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि राहत कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेमौसम की मार से किसान लगातार परेशानी झेल रहे हैं। वहीं गाजीपुर में प्याज की खेती को काफी नुकसान हुआ है। किसानों की प्याज की खेती बर्बादी की कगार पर है और वहीं लॉकडाउन के चलते मार्केट तक प्याज की फसल नहीं पहुंच पा रही, जिससे किसान को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। लखनऊ की हजरतगंज चौराहे पर महिला पुलिसकर्मियों ने कैंट काटकर मदर्स डे सेलिब्रेट किया। महिला थाना प्रभारी हजरतगंज चौराहे पर ड्यूटी के साथ मां का भी फर्ज निभाती दिखी। जालौन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जालौन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़कर 30 तक पहुंच चुकी है। सभी मरीज पूर्व में पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे। जिला प्रशासन के द्वारा इनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया है और इनके संपर्क में आने वाले लोगों का पता भी लगाया जा रहा है। फरुखाबाद में कोरोना संक्रमण के आंकड़े अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अहमदाबाद से आए टेक्सटाइल मिल कर्मचारी की कोरोना जांच पॉजिटिव आई है। युवक को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। वहीं पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया और बाजार बंद करा दिए गए हैं। रायबरेली में एक बुजुर्ग में कोरोना पॉजिटिव मिला। बुजुर्ग कैंसर की बीमारी से भी ग्रसित है। हालात गंभीर होने पर बुजुर्ग को लखनऊ रेफर कर दिया गया। इसके साथ ही संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अब तक जिले में मिलने वाले पॉजिटिव मरीजों की संख्या 48 हो गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 14 बताई जा रही है। कोरोना पर ग्रेटर नोएडा से रात भरी खबर सामने आई है। 16 कोरोना संक्रमित मरीज आज डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये सभी मरीज शारदा हॉस्पिटल में भर्ती थे। अभी तक गौतम बुद्ध नगर में 216 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं 137 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं।
देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संकट को देखते हुए इस वक्त दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। देश में लॉकडाउन का असर सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग पर पड़ा है। हजारों की संख्या में इस वक्त लोग यूपी एमपी बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। महोबा में हजारों की संख्या में मजदूर पहुंचे जिन्हें पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक लिया। महोबा जिला प्रशासन इन सभी लोगों को महोबा के आगे जाने से मना कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में अपने क्षेत्रों से दूर फंसे मजदूर छात्रों तथा अन्य लोगों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी। इसी के चलते गुजरात प्रांत में फंसे 1200 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन कल सोमवार को इटावा आ रही है। इसी के मद्देनजर डीएम जीवी सिंह ने इटावा रेलवे स्टेशन का रविवार को निरीक्षण भी किया। प्रवासी मजदूरों का पलायन अभी भी जारी है। मजदूर साइकिल के साथ ही पैदल सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। पैसे नहीं होने के चलते मजदूर साइकिल से यात्रा करने को मजबूर है। जालौन में मजदूरों की आने का सिलसिला लगातार जारी है। हजारों की संख्या में मजदूर जालौन झांसी बॉर्डर पर पहुंचे। वहीं जालौन प्रशासन ने सभी मजदूरों को बॉर्डर पर रोक लिया। सूचना पर मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई। ग्रेटर नोएडा में घर जा रहे प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद सभी का मेडिकल चेकअप कराकर उन्हें शेल्टर होम भेजा गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होते हुए ये सभी मजदूर घर जा रहे थे। मेरठ पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पुलिस ने गश्त के दौरान सब्जी से लदे ठेले को पलट दिया। सराय बेहलीम इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के नोडल अधिकारी सुशील कुमार मौर्य आज बरेली के मीरगंज पहुंचे। नोडल अधिकारी के मीरगंज के कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम स्वामी दयानंद इंटर कॉलेज और राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण भी किया। यहां ठहरे मजदूरों को अच्छा भोजन और सैनिटाइजर साबुन कोलगेट दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं। कोरोना वायरस को लेकर जहां देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, तो वहीं कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं का उत्साह हर्षवर्धन कम नहीं है। इसके लिए विभिन्न संगठनों द्वारा कोरोना वॉरियर्स का लगातार सम्मान किया जा रहा है। ऐसे में गोंडा के सामाजिक संगठन और अधिवक्ता भी पीछे नहीं है। मालवीय नगर के निवासी और लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता विवेक पांडे के नेतृत्व में सफाई कर्मियां, स्वास्थ्य कर्मियां और मीडिया कर्मियों पर पुष्प वर्षा की गई और उनका सम्मान किया गया। फिरोजाबाद जमीनी विवाद के चलते फायरिंग हो गई, जिसके साथ ही दोनों पक्ष तमंचे और लाठियों के साथ खेत में उतर आए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 307 मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कोरोना को लेकर देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और लोगों से घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण में मिली रियायत के बाद लोग बाहर निकल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा टूट रहा है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए आरएसएस की मॉबिंग विंग आगे आई है और इस विंग के सदस्य सड़कों पर कोरोना की पेंटिंग्स बनाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पूरे देश में वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जहां शासन प्रशासन तो लोगों की मदद में लगा ही हुआ है, ऐसे में समाज के कुछ ऐसे लोग भी अपने निजी स्रोतों से लोगों की मदद करने में लगे हैं। शहर के एक प्राइवेट संस्थान में नौकरी करने वाले विमलेश भदौरिया, जो लॉकडाउन की शुरुआत से ही प्रतिदिन 50 लोगों को भोजन मुहैया कराने की मुहिम चलाई थी और उसे अभी तक लगातार चला ही रहे हैं। लॉकडाउन में फंसे कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके तहत आज 2 बजे तक महाराजगंज जिले में 10 बसों से 350 मजदूर आ चुके हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। रोडवेज बसों से आए मजदूरों को जिला प्रशासन ने परिंदा कस्बे इंटर कॉलेज में रखा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इनका सुबह 6 बजे से ही मेडिकल परीक्षण कर रही है, जिसके बाद उन्हें रोडवेज बसों से घरों के लिए भेजा जाएगा।
कई राज्यों से लौट रहे सैकड़ों मजदूरों को मेरठगढ़ मार्ग पर हापुड़ सीमा में घुसने से रोक दिया गया। ऐसे में मजदूर महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ मजदूर सड़क के किनारे लेटे हुए हैं। ऐसे में शाहजहांपुर के चेयरमैन राणा खान ने दरियादिली दिखाते हुए इन मजदूरों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था कराई है। पहाड़ों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। गुजरात के सूरत से आया युवक उत्तरकाशी में कोरोना पॉजिटिव निकला। युवक 7 मई को अपने साथियों के साथ देहरादून से चनियाली सौड़ नगुन पहुंचा था, जहां सभी का प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। एहतियात के तौर पर युवक को जिला मुख्यालय में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उत्तराखंड से जहां प्रवासियों को लाया जा रहा है, वहीं प्रदेश से बाहर भी लोगों को भेजा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सरकार की व्यवस्था जांचने के लिए महाराणा प्रताप स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं जाने वाले लोगों से भी सरकार द्वारा दी जा रही व्यवस्थाओं के बारे में पूछा है। सरकार का मिशन घर वापसी लगातार जारी है। ऐसे में अभी तक 28,000 प्रवासियों को सरकार उत्तराखंड ला चुकी है। सभी के स्वास्थ्य परीक्षण किए गए हैं, साथ ही कई को होम क्वारंटाइन भी किया गया, तो कुछ को पंचायत घरों में रखा गया है। ऐसे में विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं अब सरकार रेल के जरिए भी लाने की तैयारी कर रही है। सीएम ने रेल मंत्री से 40,000 दिल्ली में फंसे लोगों को भी लाने की मंजूरी ले ली। वहीं घर में पहुंच रहे तमाम प्रवासी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से उत्तराखंड में फंसे नेपाल के नागरिक बेहद परेशान हैं। उधम सिंह नगर में क्वारंटाइन सेंटर में काफी दिनों तक रुकने के बाद ये लोग खटीमा पहुंचे, पर नेपाली नागरिकों की एंट्री पर नेपाल ने बैन होने की बात कही, जिसके चलते उनकी उम्मीद पर पानी फिर गया। पौड़ी जिले में प्रवासियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक पौड़ी जिले में हजारों ऐसे प्रवासी हैं जो अपने गांव लौट चुके हैं, जो नौकरी की तलाश में या नौकरी करने के लिए बाहरी प्रदेशों में गए थे। पौड़ी में अब तक दिल्ली, राजस्थान जैसे प्रदेशों से लोगों का आना हो चुका है, जिनकी व्यवस्थाएं भी प्रशासन द्वारा पूरी की जा रही है। उत्तरकाशी की यमुना घाट में जम्मू कश्मीर के तकरीबन 80 से ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें त्रिवेंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर भेजने का निर्णय लिया। ऐसे में करीब 51 मजदूरों को जम्मू कश्मीर भेज दिया गया, जबकि बाकी बचे मजदूरों को भेजने की तैयारी की जा रही है। सिद्धार्थनगर में दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूर के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहां रोजाना 5,000 मजदूर आते हैं, जिन्हें स्क्रीनिंग के बाद गाड़ियों से घर भेजा जाता है। इस दौरान यहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जाती है। लॉकडाउन के बीच फंसे मजदूर के घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्र और प्रदेश की सरकार के तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद लोगों को तकलीफों का भी सामना करना पड़ रहा है। गोड्डा में घर वापसी कर रहे लोगों के बीच एक मां अपने 2 महीने के नवजात शिशु को परेशानी से बचाने की जद्दोजहद करती दिखाई दी। रायबरेली में सरेनी थाना क्षेत्र के गेगासो गांव के पास सुबह 4 बजे तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई। बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के गांधी रोड पर एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता का शव फांसी के फंदे में लटका मिला। विवाहिता की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। जनपद उधम सिंह नगर में आंधी तूफान के दौरान दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई। उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेस अस्पताल हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। रविवार दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। आंधी आने पर बटिया भट्टा निवासी 42 वर्षीय निंदर कौर छत पर सूख रहे कपड़े उतारने चली गई थी। उसके बाद अपने मायके में होने आई उसकी बेटी लवजीत कौर भी छत पर चली गई थी। उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया।
पर्यटन विभाग ने IIM काशीपुर को प्रदेश में पर्यटन उद्योग को कैसे फिर से खड़ा किया जाए इस पर राय मांगी है। इसके अलावा कितना नुकसान हुआ है इसका भी आकलन किया जाएगा। वहीं चारधाम को लेकर भी UNGP से राय मांगी गई है। प्रदेश के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि उत्तराखंड जैसा राज्य जहां लगभग बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार पर्यटन होटल एडवेंचर से जुड़ा है उनके लिए ये बड़ा नुकसान है। ऐसे में कैसे इसको पटरी पर लाया जाए इस पर हमने मंथन शुरू कर दी है। उत्तराखंड सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार सामंजस्य से मिशन घर का असर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के बीच हिमाचल प्रदेश में फंसे उत्तराखंड के छात्रों और कामगारों को प्रदेश BJP के प्रवक्ता नवीन ठाकुर बस लेकर हिमाचल पहुंचे, साथ ही घर वापस लौटने पर छात्रों और कामगारों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि सभी युवकों की घर वापसी के लिए नवीन ठाकुर से संपर्क किया गया, जिसके बाद उन्होंने खुद हिमाचल प्रदेश जाकर इन सभी युवकों से संपर्क करते हुए कई अहम प्रयास किए और उनकी घर वापसी कराई। उधम सिंह नगर में तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आई है। तेज आंधी और बारिश के चलते दो लोगों की मौत भी हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तो वहीं घायलों का उपचार किया जा रहा है। दो युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गुजरात के सूरत से उत्तराखंड के लिए एक ट्रेन आज सुबह 4 बजे रवाना की गई। लगभग 1200 प्रवासी उत्तराखंडियों को लेकर ये ट्रेन रवाना हुई जो कल काठगोदाम पहुंचेगी। वहीं कल भी एक ट्रेन सूरत से लोगों को लेकर हरिद्वार आएंगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत की कोशिशें रंग ला रही है और आखिरकार ट्रेन चलनी शुरू भी हो गई है। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 12 मई से और भी ज्यादा ट्रेन चलाने की सहमति दे दी है। कुशीनगर में हार्डवेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग में करीब 30 लाख रुपए से ज्यादा की आशंका बताई जा रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। यूपी के आगरा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देर रात 9 नए मामले सामने आए हैं और आंकड़ा अब 752 पहुंच गया है, जबकि जिले में कोरोना से कुल 25 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं 326 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। आगरा में 44 इलाके हॉटस्पॉट बनाकर सील भी किए जा चुके हैं। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। मजदूर ट्रक ट्रैक्टरों और लोडरों से घर वापसी कर रहे हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें जालौन से भी सामने आई, जहां जालौन झांसी बॉर्डर पर जिला प्रशासन ने कई मजदूरों को रोक दिया। ये मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से अपने परिवारों के साथ घर लौट रहे हैं। जालौन झांसी बॉर्डर से इन मजदूरों को सरकार बसों से अपने जिले को पहुंचा रही है, लेकिन बॉर्डर पर मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। लखीमपुर खीरी में भारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुजवा मटिया के पास से 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 3 बाइक, 4 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार किया है। अपहरण की धमकी देने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। धनंजय सिंह ने जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकी दी। अपहरण के मामले की अभिनव सिंगल ने लाइन बाजार थाने में शिकायत की थी। आगरा में कोरोना संक्रमण का मामला हम नहीं रहा, लगातार लापरवाही भी नजर आ रही है। आगरा के CMO मुकेश कुमार वत्स हटाए गए हैं। अपर निदेशक हेल्थ AK मित्तल भी हटाए गए। CMO मुकेश कुमार को DM ऑफिस से किया गया अटैच। आगरा के नए CMO बने हैं डॉक्टर RC पांडे। आज रामनगर में खनन कार्य शुरू होने के बाद घर भाग रहे 24 श्रमिकों को गांव वालों ने पकड़कर वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग के अधिकारियों ने श्रमिकों को समझाकर कार्य करने के लिए राजी किया। रामनगर में कालू सिद्धिव खनन गेट के श्रमिकों को बोरिया बिस्तर के साथ सते मंदिर पिरुमदारा में भोजन करते हुए आसपास के ग्रामीणों ने देखा, जिसकी सूचना उन्होंने विभाग के अधिकारियों को दी।
लॉकडाउन 3 के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। घर वापसी के लिए मजदूर जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीर कन्नौज से भी सामने आई, जिसमें साफ दिख रहा है कि मजदूर माल कंटेनर की छतों पर बैठकर सफर कर रहे हैं।